नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कैमूर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं युवा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष वेद व्यास चौबे ने प्रदेश अध्यक्ष का चांदी के मुकुट से स्वागत किया है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार 18 सालों में जब कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे, अब उन्हें आराम की जरूरत है। बिहार में अब नीतीश मुक्त सरकार बनेगी तभी बिहार का भला हो सकता है। साथ ही मौके पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता लल्लन पासवान ने कहा कि अब की बार बिहार में भाजपा 200 से भी ज्यादा सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए, ये सोच का दिक्कत है। पहले नीतीश कुमार जी ने कहा कि 100 साल में जीवने खत्म हो गए। नीतीश बाबू क्या कहते हैं ये वही जानते। मेरा तो आग्रह है कि वो विशेष आराम कर लें, तभी बिहार का कल्याण हो। क्या लगता है कि विशेष राज्य अगर दर्जा मिल भी जाए नीतीश जी कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए? नीतीश जी से हुआ क्या है, 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? देश भर में कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं मुजफ्फरपुर में गंडक नदी किनारे कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। दरअसल आज के दिन गंगा स्नान कर पूजा पाठ करने की अपनी एक अलग ही मान्यता है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर नदी में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि सभी स्नान में ये कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही बाढ़ के उमानाथ घाट पर भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। और देखिए, ये देश भर से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। वहीं गंडक नदी में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है, तो वहीं बाढ़ और मुजफ्फरपुर में भी घाटों पर स्नान करते हुए ये तस्वीरें अब सामने आई है। साथ ही इस दौरान श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। देखिए, हम लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं तो पूजा उजा करके जाते हैं, तो ही वहाँ से लाते हैं, ठकुआ लाते हैं, नारियल लाते हैं, इसे सब पूरी बना के लाते हैं, इसे सब लेके अपना खाते हैं सब। हाँ, पहले तो आते हैं तो नदी के पूजते हैं, माता के, गंगा माता के पूजते हैं, अरवा चावल, बताशा, फूल माला, इसे सबसे पूजते हैं, दियावती से दिखाते हैं, अगरबत्ती से सबसे पूजा करते हैं। कपर पूजा कर किए, माता के पूजा किए, गोबर में पूजा किए, आ तब गोबर में पूजा उजा करके सब भगवान की पूजा करके तब हम लोग एक संग बैठते हैं, तो हम लोग पिकनिक मनाते हैं, खान पीन करके तब जाते हैं अपना। आज कार्तिक पूर्णिमा है, हम लोग के शौक चढ़ाता है, हम लोग व्रत करते हैं, तो हम लोग कार्तिक पर्व में नहा लेते हैं पूर्णिमा के, इसके बाद हम लोग अपना कुछ जो खाना होता है वही खाते हैं, नहीं इसके अलावा पहले नहीं, कुछ नहीं खाते हैं हम लोग, अपना वही खाते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु का आराधना की जाती है, अपना श्रद्धा से जो होता है वो अपना किया जाता है, करता है। धन्यवाद। आज सभी स्नानों में ये श्रेष्ठ स्नान इसको माना जाता है, इसमें सभी लेडीज जेंट्स बच्चे सभी आते हैं, नहाते हैं, इसमें आपको मन्नत माना जाता है, इसमें पूरा भी होता है। ये आपका आज स्नान सबसे श्रेष्ठ स्नान है। देखिए, हम लोग गंगा, नालंदा जिले के कई इलाकों में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जिले के बड़गांव, कोसुक, मोरा तालाब के अलावा विभिन्न गंगा नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। जहां गंगा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, वहीं छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का भी विधान है। जय जय श्री राधे। हम उमाकांत पांडे। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का महत्व उस समय से है जिस समय श्री कृष्ण का जो है परिवार प्रद्युम्न यहाँ आए थे राजगीर पर्यटन में, और उस समय जरासंध युद्ध हुआ था, उस समय से आकर के इस नदी में स्नान किए थे कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उसी समय से आज श्रद्धालु के भक्ति जो है भाव से जब भी यहाँ स्नान करते हैं कार्तिक पूर्णिमा में, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाता है कि इसके लिए ये बहुत महत्व है, जो साल में एक ही ये पूर्णिमा मनाया जाता है, और इसमें सब लोग निकलती है नहाने के लिए, और जो मांगता है इच्छाएं पूरी होती है, इसका यही है कामना।
खबर नालंदा से है, जहां रहुई प्रखंड परिसर के खेल के मैदान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें रहुई थाना के सामने मंदिर से 351 कुंवारी कन्या और महिलाओं ने ढोल बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। वहीं ये यात्रा मंदिर से शुरू होकर रहुई बाजार होते हुए फिर से मंदिर पर आकर खत्म हुई है। कल 28 तारीख से भागवत कथा रहुई प्रखंड के मैदान में होना है। इसी में के क्रम में आज 351 कलश यात्रा माता एवं बहनों द्वारा रहुई प्रखंड में निकाला गया, जो कि रहुई प्रखंड शिव मंदिर से रहुई बाजार होते अब वापस फिर यही प्रखंड परिसर में आना है। खबर नालंदा से है, जहां निजी अस्पताल की मनमानी सामने आई है, जहां इलाज के नाम पर धन उगाही की जा रही है। बता दें कि सदर अस्पताल में प्रसव करवाने आई महिला का प्रसव सदर अस्पताल की जगह अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने चंद पैसे के लिए निजी अस्पताल में करवाए हैं, जहां महिला मरीज के परिजनों से अस्पताल वालों ने 24,000 रुपए की मांग की। आपको बता दें कि निजी क्लिनिक ने प्रसव के लिए 10,000 रुपए और खून के लिए 14,000 रुपए मांगे हैं। वही परिजनों ने आनन फानन में पैसों का इंतजाम भी किया। हम सरकारी में आए कहाँ? यहाँ सदर हॉस्पिटल में, बिहार शरीफ। हाँ, बिहार शरीफ सदर हॉस्पिटल में आए और सो बताए तो हम बोला नहीं। तो क्या हुआ, डिलीवरी हुआ? ना जो पूछ रहे हैं वो बताए, डिलीवरी हुआ? तो क्या बोला गया? तो बोला गया हमको कि गया खून जांच कराने के लिए, तो 400 ग्राम हुआ और प्रसव बोला कि खून है 400 ग्राम, तो इसको पुर्जा दिया हूँ। तो कहा कि 400 ग्राम ही मैडम, 400 ग्राम खूने हैं, ये थोड़ा खून चढ़ा। कौन मैडम? है आशा। अच्छा, जो 400 ग्राम खून चढ़ा पड़ेगा, पहले खून चढ़ा पड़ते मैडम जी, हमारा गरीब आदमी, हमारा ये जी डिलीवरी करवाना हमारा, तो बोला कि 400 ग्राम खून में डिलीवरी होता है। बाढ़ के अतमल गोला थाना क्षेत्र के बुजुर्ग गांव के पास मामले पर कलंक लगाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां बाढ़ रेल ट्रैक पोल संख्या 495.24 के पास की झाड़ियों से एक नवजात बच्ची को अथमलगोला पुलिस ने लावारिस बरामद किया है। थाना अध्यक्ष ललित विजय ने बताया कि बरामद नवजात को प्राथमिक उपचार के बाद नया टोला सबनिमा निवासी महिला सोनी देवी पति अजय साव के संरक्षण में रखा गया है, जिसे कागजी प्रक्रिया होने के बाद आवासित करने के लिए पटना रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर संरक्षक चाइल्ड लाइन केयर के पास भेजने की तैयारी है। खबर नालंदा से है, जहां पानी भरे तालाब में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई थी। मामला दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कासिम चक गांव का है। मृतक की पहचान श्लोक पासवान के बेटे 4 वर्षीय सिद्धार्थ कुमार के रूप में की गई है। परिजन देर शाम बच्चे को इलाज के लिए लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। घटना के संबंध में बच्चों के परिजनों ने बताया कि वो लोग अपने खेत में धान कटाई का काम कर रहे थे, तभी सिद्धार्थ खेलते खेलते उनकी नजरों से ओझल हो गया, जिसके बाद वो लोग खोजबीन करने लगे, पास के तालाब में बच्चे को निकाला गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। सर, धान काट रहे थे हम लोग, धान काटते काटते बुतरू खेलते खेले गया और जो बगल में पोखरा था, और पोखरा में जा करके खेले में नहा हुआ गया, कब से करेगा कूद गया उसमें, तो हम लोग काटे में थे, फिर खोजे गए। क्या काट रहे थे? धान काट रहे थे। अच्छा, कहाँ? खेत में, उसी बगल में था। अब खबर नालंदा से है, जहां करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मामला बिन थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव का है, जहां मृतक की पहचान रसलपुर गांव निवासी मुकेश कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मृतक के परिजन ने बताया कि मुकेश कुमार खेत में काम करने के लिए गए थे, तभी पंप सेट चालू करने के दौरान करंट के संपर्क में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद करंट की चपेट से उन्हें छुड़ाया और इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। सरकारी टीचर थे, सवेरे खेत पर गए हैं, वही करंट के चपेट में आए हैं, वही एक्सीडेंट हुए। अच्छा, क्या खेत में क्या पटाने गए? सरसों होगा, वही पटाने गए हैं। वहाँ से फिर छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी का दिन है आज, तो वही गए थे खेत में, प्याज पटा लेते हैं और उसी करंट के चपेट में पड़े हैं, उसी से वहाँ से लेके यहाँ।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।